अलीगढ़ जिला कारागार में अर्थदंड जमा नहीं कर पाने पर सजा काट रहे चार बंदियों को उड़ान सामाजिक संस्था ने 15,600 अर्थदंड जमा किया। अर्थदंड जमा होने पर चार बंदियों को जिला कारागार से गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिहा किया गया। चारों बंदियों ने सामाजिक संस्था का शुक्रिया अदा किया है। जिला कारागार में चार बंदी अर्थदंड जमा न कर पाने पर अतिरिक्त सजा काट रहे थे। इसके लिए कारागार प्रशासन ने उड़ान सोसाइटी से वार्ता की तो उड़ान सोसाइटी ने चार बंदियों का 15,600 अर्थदंड जमा किया है। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर रेलवे एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और एक्सरसाइज एक्ट में सजा काट रहे चार बंदियों को अर्थदंड जमा होने पर रिहा किया गया। उड़ान सोसाइटी ने पूर्व में भी महापुरुषों की जनशताब्दी के अवसर पर भी अर्थदंड जमा कर कुछ कैदियों को रिहा कराया है। पूर्व में भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मशती के अवसर पर उड़ान सोसाइटी ने कुछ कैदियों को कराया कि आगे आज हमने जिला अधीक्षक मदद से किया था। गणतंत्र दिवस पर कुछ कैदी ऐसे हैं जो कि जुर्माना न जमा कर पाने के कारण अपनी अतिरिक्त सजा भुगत रहे हैं, उनको रिहा कराना चाहती उड़ान सोसाइटी है हमारे निवेदन को स्वीकार किया और आज जिला जेल से 15,600 रुपए का जुर्माना जमा करके उड़ान सोसाइटी ने चार बंदियों को जो केवल इसके कारण जो है अतिरिक्त सजा भुगत रहे उनको रिहा कराया गया। तो ये लोग आज समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकेंगे और परिवार से अपने से मिल सकेंगे। ये कैदी कब से जेल थे? ये कैदी आज क्या कहते हैं, चार कैदी जो अर्थदंड की सजा भोग रहे हैं उनको रिहा किया जा रहा है। उड़ान सोसाइटी के माध्यम से उनका जुर्माना आज जमा किया गया है। ज्ञानेंद्र मिश्रा जी द्वारा उसका जुर्माना जमा किया जा रहा है 15,600 रुपए। वही अर्थदंड की वजह से काट रहे थे वो लोग, आज जुर्माना जमा होने के कारण रिहा हो रहे हैं 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर। क्या मंशा रहती है सरकारी सर ऐसा ही राष्ट्रीय पर्व है और राष्ट्रीय पर्व में ये रहता है कि कैदियों को सुधार का मौका मिले और क्या कहते हैं इसमें जो अपने संविधान की मंशा है उसके अनुरूप कार्य किया जाए। तो उसमें किसी को सुधारने का मौका देना एक बहुत बड़ा कार्य है। तो ऐसे बंदी जो क्या कहते हैं मजबूर हैं, अपना जुर्माना नहीं जमा कर पा रहे हैं, उनका जुर्माना जमा करके उनको रिहा किया जाना अपने आप में एक उल्लेखनीय बात है। सर किस संबंध में ये